एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। दुर्गेश और हमारा आज फेयरवेल का डे है और हमारे साथ स्टूडेंट खड़े हैं। इनका डेली का लाइव रिव्यू है और जाकर के आप लाइव में भी देख सकते हैं इनका डे बाई डे का डेली का डेली रिव्यू है। आज ये जा रहे हैं तो इनके हम प्लानिंग के बारे में जानेंगे कि ये यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले हैं, जो डिसिप्लिन यहाँ पे फॉलो किया वही आगे चल के भी फॉलो करने वाले हैं कि नहीं। तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं पंजाब से हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आशिक है, मैं कश्मीर से हूँ। आपका नाम? मेरा नाम ललित प्रजापत और मैं राजस्थान से हूँ। आपका नाम? मैं महेश, नागपुर से। आपका नाम? सचिन बांगसर, महाराष्ट्र से। चलिए तो देख सकते हैं महाराष्ट्र, कश्मीर, पंजाब, सारे स्टूडेंट ओवरऑल पूरे इंडिया से आते हैं, अमूमन इंडिया के बाहर से भी आते हैं, पर कोविड की वजह से अभी हम इंडिया के बाहर के स्टूडेंट अभी नहीं लेते हैं, ओनली इंडिया के ही लेते हैं। तो चलिए अभी तक थ्रू आउट तो लाइव आपका सारा कुछ रिव्यू है। yes, बताइए यहाँ का डिसिप्लिन कैसा रहा? डिसिप्लिन सर एक नंबर है यहाँ पे। कैसा रहा सर? बहुत अच्छा। कैसा रहेगा सर? बहुत बढ़िया डिसिप्लिन है जो यहाँ मिल सके हमें और बाहर कभी नहीं मिलेगा सर। चलिए अब यहाँ से जाने के बाद प्लानिंग क्या है आपका? सर प्लानिंग तो यही है कि जैसे एशिया टेलकॉम ने शिक्षा दी है ना हमें, उसको आगे स्टैंड रखे में करना है। हाँ सर। कि अपना दिमाग लगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं अपना दिमाग लगाएंगे भूल जाएंगे पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं नहीं फिर तो नॉर्मल ही हो जाएंगे सर। अपना दिमाग लगाएंगे तो बाबा बन जाएंगे जी सर। आपकी प्लानिंग क्या है सर? यही है कि जो यहाँ सिखाया गया है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है उसी प्रकार चलेंगे सर। चलिए ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले आपने हार्डवेयर किया देव सर के साथ, तो कैसा रहा देव सर के साथ? हार्डवेयर देव सर के साथ बहुत मस्त रहा सर। बढ़िया रहा। आपका कैसा सफर रहा? सर बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए बेस्ट सबसे बढ़िया टीचर रहा है। आपका कैसा? सर बहुत बढ़िया गया हार्डवेयर सब्जेक्ट, जो कि इतनी डीपली हमें समझाया गया कि ये नॉलेज हमें कहीं नहीं मिलती सर। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर का सफर रहा, कैसा रहा आपका सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर का तो सर बहुत मस्त रहा आपके साथ जी, बहुत मजा आया सॉफ्टवेयर। ऐसा तो नहीं सर ऊपर से जा रहा? नहीं नहीं सर ऊपर से नहीं, सीधा अंदर जा रहे थे। आपका सफर कैसा रहा? जी सर क्या बताएं, तो तारीफ के लायक है, उसके लिए मैं तालियां बजा रहा हूँ सर। आप हमारे लिए वो उस्ताद हो जो मेरे दिल में हो सर, हमेशा रहोगे हमारे दिल में। चलिए थैंक यू सो मच। आपका कैसा रहा सर? एकदम फर्स्ट क्लास में जो है सॉफ्टवेयर की गई और EMCC की, और जस्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सर को, क्योंकि मुझे वो चीज़ कॉपी में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो बिल्कुल दिमाग में बैठ गई है सर, इस प्रकार समझाया गया सर। चलिए थैंक यू सो मच। उसके बाद फिर मिलन सर के साथ आपका सफर रहा, जिसमें ब्लैक पेस्टल, डुअल टेकर और प्रोग्रामिंग, MMC चेंज प्रोसेस सब कुछ सर ने बताया, कैसा रहा? नहीं मिलन सर के लिए भी एक बार क्लैपिंग तो होनी चाहिए। ऐसा है ना, जैसे हम लोग फ्रेशर थे फिर भी सर ने इजीली तरीके दिया हमें समझाने के लिए, बिल्कुल इजीली, जो जैसे एक फ्रेश छोटा बच्चा होता है ना उसको गाइड करते हैं ना, यार आप ऐसे ऐसे स्टेप फॉलो करो तो आप गिरोगे नहीं, उस हिसाब से हमें सिखाया सर ने। ओके। आपका सफ़र कैसा रहा? सर बहुत अच्छा लगा मिलन सर से, और जो इसने सिखाया सर बहुत ही बढ़िया था हमारे लिए और सबके लिए। हम ये भी नहीं जानते थे कि MMC प्रोग्राम होती है, उसमें निकाल के भी फ्लैश किया जा सकता है, और इससे पता चला हमें, इसने जो भी सिखाया बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। आपका सफ़र कैसा रहा? सर एकदम बढ़िया गया। कि मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई ऐसे बोले ना कि इसके लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि आप सीधे यहाँ पे ऐसे टेलीकॉम के अंदर आए, यहाँ बिना आपको ऐसी नॉलेज दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप कि आपको सीधे EMC से ऐसे मतलब 5 मिनट में प्रोग्राम कर सकते हो, प्रोग्रामिंग के लिए ओनली फॉर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी सर। आप कर सकते हो? सर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मिलन सर पूछेंगे कैसा रहा। तो हमारे साथ और दो स्टूडेंट हैं, आप कहाँ से हैं? सचिन सर, महाराष्ट्र। और आप? सर मैं भी महाराष्ट्र। आप भी महाराष्ट्र से? दो महाराष्ट्र से स्टूडेंट से हैं। तो D1 से लेकर अभी तक क्या सफर है, शुरुआत से लेकर देव सर, दुर्गेश सर, हमारे हार्डवेयर सेक्शन में दीपक सर, MD सर के साथ कैसा रहा सफर? बहुत जबरदस्त रहा सर, पहले से दिन से आज एक महीना हो समझो, 20-25 दिन हो गए सर, ऐसा लग रहा है कि यहाँ सा जाना ही जाने का मन नहीं कर रहा सर, क्योंकि हर दिन अलग अलग कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। बहुत बढ़िया रहा सर। बहुत बढ़िया। हाँ सर। चलिए मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि कैसा रहा आपका सर? बहुत बढ़िया रहा सर, और समझ में आया पूरा। और कोई चीज़ वगैरह प्रैक्टिकल किए हैं कि नहीं? जी किए। होता है प्रैक्टिकल? 100% होता है और पूरा होता है, समझ में आता है जी। और जो प्रैक्टिकल होता है वो काम सक्सेस होता है कि अनसक्सेस में? सक्सेस होता है, 100% सक्सेस होता है।
होता है जी सर जी। तो चलिए महाराष्ट्र से अगर कोई आना चाहे तो क्या करें बोले चाहिए? मैं महाराष्ट्र से कोई स्टूडेंट आने चाहे तो इनको यही बोलूँगा कि इधर उधर मत भटके, आशिया टेलीकॉम आ जाए, ये एक भरोसेमंद टेलीकॉम है। मेरे भाइयों को बोलूँगा कि आशिया टेलीकॉम ही आए, क्योंकि मैंने पहले यही सोचा था कि यहाँ जाना है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। फ्रॉड यहाँ आने के बाद लूट तो नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सर, एकदम भरोसेमंद टेलीकॉम है सर। ठीक, और मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ आपकी महाराष्ट्र से अगर कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहिए? मैं तो बोलूँगा बिल्कुल आए, और मैं एक बात और बोलूँगा, अगर मेरे सर पर एशिया टेलीकॉम के सर के हाथ रहा तो मैं बेस्ट, एकदम बेस्ट, यानी मेरे एरिया में का नागपुर में का बेस्ट टेक्नीशियन बना के दिखाऊंगा और कहूंगा मैं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को, और मैं आशा करता हूँ आप अपने अपने एरिया में बहुत अच्छा काम करेंगे और अपना खुद का नाम करेंगे। yes, और एशिया टेलीकॉम आपके सब आप लोगों के साथ लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।